हाय दोस्तों, हरे गंगे नमामि गंगे। सुबह के अभी 8 बजे हैं और हम आ चुके हैं हरिद्वार हर की पैड़ी जाने के लिए। अभी हाथी वाले ब्रिज में खड़े हुए हैं। काफ़ी लंबी ब्रिज है, यहाँ से मनसा देवी के टेंपल के सुंदर दर्शन आप कर रहे हैं। लेटेस्ट वीडियो वहाँ के भी हमारे चैनल मिल जाएगा, वहाँ की यात्रा आप कैसे करें और काफ़ी सारे चेंजेस वहाँ भी होने परिवर्तन हुए हैं। तो परिवर्तन क्या क्या हुए हैं ये हम आपको इसी वीडियो में बता देंगे। और ऐसे दृश्य देख रहे हैं वहाँ का, तो आप बिल्कुल जाए हमारे नए वीडियो पे देख रहे हैं। काफ़ी सुंदर दृश्य है, बारिश काफ़ी तेज़ हुआ है कल, जिसकी वजह से जल अभी भी देख रहे हैं यहाँ पे भरा हुआ है। और तारीख की बात कहें तो आज 5 सितंबर है और भीड़ श्रद्धालुओं को देख रहे हैं। काफ़ी तेज़ झलने वाली धूप है, देख रहे हैं अच्छी खासी तेज़ धूप होती है जब बारिश होता है उसके बाद, देख रहे हैं। ये काफ़ी सारे होटल धर्मशाला यहाँ पे बने हुए हैं। अभी हम जाएंगे सुभाष घाट होते हुए। परसों आपने देखा था कि हम गए थे शिव घाट की ओर से। ये वाली जो घाट है ये एक उषा घाट, जहाँ पे अस्थि विसर्जन मुंडन की विधि कराते हैं। काफ़ी लोग दूर दूर से आते हैं, यहाँ पे भगवान श्री राम आए थे ऐसा कहा जाता है, और यहाँ पे स्नान किए थे और डुबकी लगा के आशीर्वाद लिए थे माँ गंगा का। अभी चलते हैं मोती बाजार की ओर से, यहाँ पे आप जाएंगे, दिखाएंगे दृश्य हम आपको। ये आप देख रहे हैं इसी ब्रिज से होके हम आए हैं। ये ब्रिज है हाथी वाला ब्रिज, देख रहे हैं हाथी का यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये है सुभाष घाट, यहाँ पे भीड़ आपको हमेशा देखने को मिलेगा क्योंकि ये प्रमुख मार्केट से होके मार्ग आता है। और भीड़ देखेंगे भी आप, ये सीधा मोती बाजार की ओर जा रहे हैं लोग, देख रहे हैं ये जो लोग जा रहे हैं ये सारे मोती बाजार वाले हैं। मोती बाजार में जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, एक घाट है कुशा घाट, जहाँ पे अस्थि विसर्जन मुंडन की विधि किया जाता है, और वहाँ जाने के लिए इसी मार्ग से लोग जाते हैं। यहाँ पे रहना खाना काफ़ी अच्छी सुविधा मिल जाता है, देख रहे हैं होटल यहाँ पे काफ़ी सारे बने हुए हैं। यहाँ पे हमारे माता और बहनों के लिए चेंजिंग रूम की भी सुविधा काफ़ी अच्छी खासी है, लाइन से बने हुए हैं। यहाँ पे इस घाट में भी मुंडन की विधि और अस्थि विसर्जन की विधि कराते हैं लोग। ये है माँ गंगा की तेज जल की धारा। सामने वाली जो घाट दिखाई दे रहा है वो है शिव घाट, देख रहे हैं। अधिकतर हम शिव घाट छोड़ के जाते हैं लेकिन आज हम शिव घाट नहीं जाएंगे। ये है मोती बाजार जाने का मार्ग, काफी सारे दुकान यहाँ पे सजे हुए हैं, देख रहे हैं यहाँ पे आप आराम से शॉपिंग भी कर सकते हैं। ये देख रहे हैं ये सारे होटल धर्मशाला है, ये होटल है उधर धर्मशाला है। अब यहाँ पे एक हेडपम्प भी बना दिया गया है जो कि नहीं था, ये काफ़ी अच्छी सुविधा है पानी पीने के लिए। ये देख रहे हैं काफ़ी सारे चेंजिंग रूम बने हुए हैं, ये हमारे माता बहनों के लिए ज़रूरी होते हैं और माता बहनों से रिक्वेस्ट है कि वो चेंजिंग रूम में कपड़ा चेंज करें। ये जो वट के वृक्ष है 300 वर्ष पुराना, यहाँ पे एक बाबा जी बैठते हैं। सुभाष घाट में सुविधाएं काफ़ी अच्छी मिल जाती है, अगर आप रुकना चाह रहे हैं खाना पीना करना चाह रहे हैं घाट के ऊपर तो सारे चीज़ें आपको यहीं से ही मिल जाएगा। देख रहे हैं जेब कतरे से सावधान, बैग यहाँ पे चोरी हो सकता है, देख रहे हैं यहाँ पे मुंडन की विधि ये कराया जा रहा है। ये सुभाष घाट ही है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मुंडन की विधि अस्थि विसर्जन की विधि कराया जाता है। ये देख रहे हैं ये है पूरे होटल धर्मशाला। आज जल की धारा थोड़ा कम है, देख रहे हैं काफी लोग हैं जो कि इधर भी लोग हैं कुछ जो कि गहरे जल पे जाके स्नान कर रहे हैं। ऐसे तो गहरे जल पे जाके स्नान ना करें, ऐसे स्नान करने के लिए इतना भी जल पर्याप्त है किनारे पे। काफी तेज वाली धूप लग रहा है आज, बिल्कुल जलने वाली धूप। अगर बच्चे बुजुर्ग आपके साथ है तो छाता जरूर ला लीजिएगा, अगर बारिश भी होता है या फिर धूप भी होता है दोनों से ही आपको राहत मिलेगा। और अगर आपको नहीं ला रहे हैं आपको लेना ख़रीदना तो इसी मार्केट में यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये देख रहे हैं यहाँ पे मेडिकल है, दवाई आपको मिल जाएगा, मेडिकल नहीं सेवा समिति है जो कि निःशुल्क है, किसी बारे कोई दिक्कत, डॉक्टर बैठते हैं वहाँ पर, डॉक्टर की
परमिशन से आप ले सकते हैं। जो भी आपको परेशानी है आप बताइए। ये देख रहे हैं ये जो जल आ रही है ये हर की पैड़ी से जल है, आरू वाली जो जल है ये वाली देख रहे हैं, ये है प्रमुख जल की धारा। जहाँ आपको दिखाऊंगा वो प्रमुख जल की धारा है। स्नान करना थोड़ा सा रिस्की होता है, ये हर की पैड़ी से जल आ रही वो है। यहाँ पे आप आराम से स्नान कर सकते, किसी बारे कोई दिक्कत नहीं है। अब हर की पैड़ी मात्र 100 मीटर बचा हुआ है, अभी हम आपको लेके जाते हैं। ये हम आ चुके हैं भागीरथी सेतु पे। अब भागीरथी सेतु से जो दृश्य होता है वो आप जानते ही हैं, नए घाट का दृश्य यहाँ से देखने को मिलता है। सामने संजय सेतु, आजू बाजू अगर हम कहें ये है प्रमुख नई घाट, जहाँ पे लोग अस्थि विसर्जन ही कराते हुए आपको अधिकतर नजर आएंगे। और दूसरा किनारे की बात कहें तो ये है दूसरा किनारा जहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं। जल की धारा मीडियम है, या ना तेज है ना कम है देख रहे हैं, और भीड़ भी बिल्कुल मीडियम है देख रहे हैं, ज़्यादा भीड़ नहीं है। और ये वाली भीड़ जो है ये आपको संडे को डबल देखने को मिलेगा। अगर डबल भी हो जाता है तो भी इसे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से आइए आप संडे को भी आप अगर आना चाह रहे हैं तो। रूम होटल धर्मशाला की बुकिंग नहीं भी करेंगे तो चलेगा। ऐसे आप रेट की बात कहें तो प्राइस कम हो चुका है होटल धर्मशाला का, जो रेट सीजन में बढ़ जाता है वो अभी कम हो चुका है। ऐसे हमने काफ़ी सारे होटल धर्मशाला का नंबर वीडियो में दे रखा है, तो आप जाके देखिए वीडियो और नंबर पे कॉल करके बुकिंग भी करा सकते हैं। आप कहेंगे कि रुकने के लिए बेस्ट जगह कहाँ पे, हर की पैड़ी के पास, तो यहाँ पे बरनाला धर्मशाला है और सुखलाल धर्मशाला है, जो कि काफ़ी अच्छी सुविधा है, बिल्कुल घाट के ऊपर है। आपको मैं यहीं से जूम करता हूँ, देख रहे हैं ये जो दिखाई दे रहा है ये है वो धर्मशाला जो कि मैं आपको नाम बता रहा हूँ, बिल्कुल घाट के ऊपर है। तो आपको यहाँ पे रुकने के लिए जो चार्ज है 500 से 1000 रुपया 1200 तक ही देना पड़ेगा, आराम से आप रुक सकते हैं, किसी बारे कोई दिक्कत नहीं होगी। और अपर रोड मार्केट में अगर रुकना चाहें तो वहाँ पे थोड़ा सा चलना पड़ता है, भीड़ ज़्यादा होता है थोड़ा, और मनसा देवी की यात्रा भी वहीं से होता है तो फिर भीड़ थोड़ा ज़्यादा ही होता है वहाँ पे। और आपके साथ कार या बाइक है तो पार्किंग का भी आप देख रहे होंगे, तो पार्किंग का अगर आप देख रहे हैं तो आप भीमगोड़ा में रुके तो सबसे अच्छा रहेगा। मार्केट भी है, खाने पीने की सुविधा भी है और अच्छे खासे पार्किंग भी वहाँ पे मिल जाते हैं। तेज जल्दी धूप से राहत अभी नहीं मिलेगा, आप सर्दी आने वाला, सर्दी में थोड़ा सा राहत मिलेगा। बाकी इस बार का जो मौसम है आप देख ही रहे हैं किस तरह का है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पे। जय माँ गंगे, हर गंगे, नमामि गंगे।